हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज को फिनिश करने के लिए। ये लास्ट वीडियो है एवरेज की, किरण पब्लिकेशन 8700 बुक से। सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे लास्ट टाइप के 20 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा ध्यान से, 21 क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 छात्रों की जो सेविंग है वो औसत दे रखी है कितनी, 600 रुपये। मतलब ये 10 छात्रों में से प्रत्येक या फिर 10 छात्रों का औसत बचत जो हमें दे रखा है 600 रुपये। मतलब 10 छात्र हैं, ठीक है, टोटल 10 छात्र, और उनमें से प्रत्येक बचत कितने की करता है जी, 600 रुपये की बचत करता है। समझना, 600 रुपये की। तो टोटल बचत कितने की हो रही है, 10 लोगों द्वारा कितनी बचत हो जाएगी, 6000 रुपये की कुल बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं। मतलब ये कि 10 में से जो 3 छात्र हैं, 10 में से जो 3 छात्र हैं ना, उनकी कोई भी बचत नहीं है। तो मतलब कहने का ये है, 10 तो बोला जा रहा है लेकिन उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी रुपया बचा हुआ नहीं है। तो सिर्फ काउंटिंग की जा रही है लेकिन उन्होंने कोई भी पैसा नहीं बचाया। तो टोटल अगर मैं देखूँ 6000 रुपये जो योग निकल के आया वो कितने लोगों का होगा भाई, 7 लोगों का होगा। सीधी सी बात है, जब 3 का नहीं है तो भाई 7 का होना चाहिए। तो 7 का कितना हो गया जी, 6000 रुपये। ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे पता है हो सकता है आप लोगों का डाउट हो या फिर क्वेश्चन क्लियर ना हो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है। बाकी के जो छात्र हैं उनकी कम से कम, लेकिन कितने छात्र हैं ये नहीं पता, कम से कम 250 रुपये की बचत कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आगे देखते हैं, इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। और निहार एक व्यक्ति है कि बचत जो हमें दे रखी है 1300 रुपये की बचत है। मतलब एक व्यक्ति को और मैं अगर मैं इसमें से कम कर दूं, तो एक व्यक्ति कम कर दूं 10 में से, ये निहार जो है, निहार एक 10 में से एक लड़के का नाम है या व्यक्ति का नाम है, जो कि एक व्यक्ति कितना खर्च मतलब बचत कर रहा है, 1300 रुपये, 1300 रुपये। अब देखो, 7 लोग थे, 7ों में 6000 रुपये थे, उनमें से एक निहार भी शामिल है इसमें, निहार शामिल है। अगर मैं निहार को उठा दूं तो बाकी के कैंडिडेट मेरे पास कितने बचेंगे भाई, 6 कैंडिडेट बचेंगे और उनके रुपये निकल के आ जाएंगे। कैसे, माइनस करने से, 0 0, 60 में से 13 गए तो सीधे सीधे 47 बचे, ठीक है। तो मतलब 6 लोगों का जो योग है पैसों का वो कितना निकल के आया, 4700 रुपये। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है। तो क्वेश्चन ने बोला है, तो बताइए कि सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है, सबसे बड़ी राशि किसकी हो सकती है, क्या हो सकती है, वो देखते हैं। अब इन देखो, 6 लोगों का 4700 रुपये। अब इन 6 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा बचाता होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बचाता होगा एक व्यक्ति ऐसा है। अब ये नहीं हो सकता है वो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी हो सकता है 6 में से। तो कम से कम, क्वेश्चन ने एक लाइन और बोली गई वो ध्यान से देखे। क्वेश्चन ने बोला है, अन्य छात्रों में से प्रत्येक कम से कम 250 रुपये की बचत करते हैं। मतलब ये कि जो 6 व्यक्ति हैं, 6 में से कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि कम से कम 250 रुपये की बचत कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति मैंने मान लिए, क्यों, टोटल मिलाकर 6 का योग इतना निकल के आया। अब मुझे एक व्यक्ति को पकड़ना है तो कहीं ना कहीं मुझे 5 ही लेना पड़ेगा। 5 लोगों का जो कम से कम बचत है वो कितना है जी, 250 रुपये। तो 25 पंजे 125 और 10, तो मतलब ये कि 5 लोग मिलकर कितने रुपये बचा लेते होंगे, 1250 रुपये ओनली बचा पाते हैं। अब यहाँ पे 5 लोगों का योग और ये है मेरा 6 लोगों का योग, तो अगर मैं इसमें से 5 का घटा दूँ,
जो योग है हमारे पास कितना 1250। तो हमारे पास वो सिंगल बंदा बचेगा जिसकी हाईएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट सेविंग है या फिर सबसे ज़्यादा वो बचत कर रहा है, तो एक बचा। और जो बंदा वो लड़का कौन हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कितना बचा रहा है। 0, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 3450 फाइनली ये सबसे हाईएस्ट सेविंग है, तो कितना हो जाएगा 3450, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज़ करना होगा, 6 लोगों का तो हमें पता है, अब एक व्यक्ति को पकड़ना, तो कहीं ना कहीं 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि कम से कम 250 रुपये की बचत कर रहे हैं। ये बचत है, 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 सारी चीज़ें यहाँ पे बचत का ही गेम है और बचत ही पूछी गई है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, जैसा माइंड में आता है कि हाँ यहाँ से ये चला दो, यहाँ से ये, बस उसी प्रकार से करते चलो। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट मत रटो कि यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, अरे कहीं भी रख दो, चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, फालतू की चीज़ों को तो मैं वैसे ही हटा देता हूँ, आप तक पहुँचने भी नहीं देता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में ही सॉल्व करेंगे हम सब मिलके। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जवान, ठीक है, और भारतीय जवान, दो देश के जवान हैं, एक यूरोपियन के एंड भारतीय इंडियन है। ठीक है, यूरोपियन जवानों की औसत लंबाई दी गई है 5 फुट 10 इंच। ठीक है, भारतीय जजवानों की जो लंबाई दी गई है 5 फुट 9 इंच है, वेरी गुड। आगे दी गई संपूर्ण, मतलब कुल दे रखा है, कुल औसत लंबाई दे रखी है कितनी, 5 फुट 9, सही 3/4 इंच। आगे देखते हैं, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो टोटल मिला के कितने, 12,000 जवानों की सेना, ठीक है, 12,000 लोग हैं टोटल, उसमें यूरोपियन है, और भारतीय है, ठीक है, चाहे इंडियन और यूरोपियन लिख दो, यूरोपियन और हमारे पास इंडियन है, दो प्रकार के हैं। यूरोपियन जवानों की जो हमें औसत लंबाई दे रखी है वो क्या है, 5 फुट 10 इंच है, मैं सिर्फ 5 और 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, 5 फुट 10 इंच याद रखना। इंडियन की मैं अगर बात करूँ तो हमें दे रखी है इंडियन की 5 फुट 9 इंच दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल मिला के तो कितनी, 5 फुट 9 सही 3/4, ये कितनी, 5 फुट 9 सही 3/4। तो भी काम करते हैं जी। देखो जी, मैंने आपको एक बात बताई है कि 5 5 5 तीनों में कॉमन है, तो इसे हटा दो यार, ये फालतू का मूड ख़राब करेगा, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है हमारे आंसर पे, समझ गए। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, रेशियो 10 9 और ये है, अब इसकी शक्ल भी बहुत बुरी लग रही है, तो आप लोगों ने अगर परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट SICI एंड टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस ये सारे चैप्टर अगर मुझसे किए हैं तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे, 9 चौक 36 36 और 3 39, 39/4 लिख दूँ मैं इसकी जगह, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 39/4। अब भी इसकी शक्ल बुरी है भाई, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा माइनस करने में दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं जी, इस 4 को हटाने के लिए मैं तीनों में 4 का गुणा कर देता हूँ, ये मैंने सिखाया हुआ है आप सब लोगों को, तो 4 से ये 4 तो कट जाता है लेकिन ये गुणा हो जाता है, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 2 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, या फिर आप नोट कर लेना, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। अब क्या करना है, सीधे सीधे सिंपल माइनस कर देते हैं 40, यहाँ से घटा देते हैं, तो 40 में से ये गए तो बचा कितना एक, और यहाँ पे 36 है तो कितना बचा तीन। अब यहाँ पे इंडियन जवानों की संख्या हमें एक दे रखी है और यूरोपियन जवानों की संख्या हमें तीन दे रखी है, टोटल संख्या कितनी होगी भाई, टोटल आर्मी कितनी है, 4:3:1 है, कुल मिलाकर 4 है, लेकिन 4:1 का मान हमें कितना दिया हुआ, 12,000, तो 1:1 का मान कितना हो जाएगा, 1:1 का मान 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12, तो मतलब कितना हो जाएगा, 3,000। जब 1 का मान 3,000 है तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, वो देख लेते, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि भारतीय सैनिकों की संख्या मतलब इंडियन वाली लाइन में कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000, तो कितना हो जाएगा, सीधे 3 × 1 = 3, और 3,000 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर उसने यूरोपियन के पूछे होते तो 3 × 9 = 9,000, ये हो जाते 9 × 3 = 12,000 कुल सेना है, तो यह हमारा आंसर हो गया। है ना सिंपल, देखने में बहुत अजीब है, अगर आप इसका बैक सॉल्यूशन देखोगे तो वो और भी ज़्यादा अजीब होगा, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन से लगता है, ठीक है। कहने को तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मैं तो यही बोलूँगा कि पहले वीडियो पॉज करके आप जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, देखो टाइम लगेगा, लेकिन एक बात बोलूँगा, टाइम एक ही बार लगाओ, आप बार बार टाइम लगाओ उससे ज़्यादा बेटर ये है, एक ही बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो और कहानी ख़त्म करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, 23 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 100 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य मतलब औसत हो गया, वो कितना दिया हुआ 40, मतलब 100 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 40, लैंग्वेज चेंज है, माध्य मतलब औसत ही है। आगे देखते हैं, बाद में पता चला या बाद में देखा गया कि एक प्रेक्षण एक संख्या 53 को, एक संख्या 53 को मतलब 53 सही थी, लेकिन 53 के स्थान पर हमने 83 पढ़ लिया गया, कितना पढ़ लिया जी, 83 पढ़ लिया गया। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है सही माध्य क्या, मतलब सही औसत क्या है। तो मैंने आपको सही और गलत के क्वेश्चन कराए हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं वो लोग आसानी से कर चुके होंगे। तो अब हम देखें कि गलती से मेरा इसमें अगर बोला जाए तो मेरा कोई ना कोई एक संख्या बढ़ गई है, क्यों, रखना था 53, मतलब मुझे लेने थे 53 और ले लिया मैंने 83, तो कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ गई होगी, और बढ़ गई होगी तो कहीं ना कहीं औसत भी इंक्रीज हुआ होगा, तो औसत को अपने सही जगह पर लाने के लिए जो औसत बढ़ा हुआ है वो घटाना होगा, तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा पहुँच गया इसमें, नंबर 53 तो रखना ही रखना था, एक्स्ट्रा कितना पहुँच गया उसे हटा दें अपना काम हो जाएगा, तो कितना हटा दीजिए, 30 का डिफरेंस है, लेकिन इस 30 को मैं एवरेज बनाऊँगा जभी तो इसमें से घटाऊँगा, क्योंकि ये होता है एवरेज और यहाँ पे नंबर्स हैं संख्या है, तो इस 100 से अगर मैं इसे डिवाइड दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा एवरेज, 0 से 0, 1 0 से 1 पॉइंट, तो मतलब कितना हो जाएगा 0.3। अब मतलब ये है कि 0.3 मुझे इसमें से माइनस कर देना होगा, और 0.3 जैसे ही हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 39.7 हमारा क्या होगा, एकदम सही औसत, या फिर बोला जाए एकदम सही माध्य निकल कर आ जाएगा। तो 39.7 मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हमने किए हुए हैं। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 24 की कहानी देखते हैं क्या कहानी दी गई है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है किसी कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में से प्रत्येक 50 रुपये का योगदान देते हैं, ठीक है, अन्य 2 छात्र सभी 9 छात्रों के योगदान द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रम से 50 और 90 रुपये अधिक देते हैं, मतलब जो 2 बचे हुए हैं वो 50 और 90 देते हैं, तो कक्षा के सभी 9 छात्रों का औसत योगदान कितना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल मिला के 9 लोग हैं मेरे पास, 9 में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि प्रत्येक 50 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन इन 7 के बाद में 2 व्यक्ति और बचे, क्योंकि टोटल 9 हैं, 9 में से 7 चले गए। अब जो 7 के बाद जो 2 व्यक्ति हैं वो अकेले अकेले होंगे, इसलिए हम 1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकेला, ये अकेला, हो सकता है संख्या 8th हो 9th हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक एक है। अब क्वेश्चन ने क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है 7 छात्रों में प्रत्येक 50 रुपये योगदान देते, तो मैंने इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जी। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन ने बोला है अन्य 2 सभी 9 छात्रों द्वारा, अन्य 2 संख्या जो है वो 9 संख्या जो सभी के औसत से कितना अधिक देते हैं जी, 50 और 90 अधिक, तो मतलब ये देता है 50 अधिक और ये देता है 90 अधिक, समझ के। तो कुछ नहीं करना, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, ये छोटा सा मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, 1 का करना है, इसमें 1 का, इसमें 5 और 7, इसमें 9 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जी, 9x इज इक्वल टू 7×5 35, मतलब 350 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, एक्स प्लस 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 90। अब यहाँ से देखो, 1x है, 2x है, इन दोनों एक्स को इधर लेकर आएंगे तो 9 में से कितने एक्स गए, 2 बचेंगे, कितने, 7x इज इक्वल टू 350 है, ठीक है, 350 और 50 में ले लूँ इसे तो 400 हो गया, 490 हो गया, तो योग कितना बचा मेरे पास, 490। तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 77 जब 49 और 70, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई 70। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कक्षा के सभी 9 छात्रों द्वारा औसत योगदान कितना है, औसत योगदान पूछा। अगर इसने योग पूछ लिया था तो ये एक्स क्या है, ये एक व्यक्ति की इनकम है, इसे हम क्या बोल देंगे, एवरेज, या फिर एक व्यक्ति द्वारा योगदान कितना है, 70 रुपये, या फिर बोल सकते हैं प्रत्येक, ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, या फिर माध्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन चारों का मतलब एक ही होता है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, प्रत्येक का मतलब भी औसत होता है, एवरेज भी होता है, माध्य भी होता है, एक व्यक्ति जिस जो कितने खर्च कर रहा है, 70 रुपये। अगर ये योग पूछ लेता तो एक व्यक्ति 70 कर रहा है तो 9 व्यक्ति कितने करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई एक्स, मतलब 979 जो 63, 630 रुपये। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, सीधे सीधे 70 रुपये पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कर लीजिए। और ये मेथड तो आप जानते ही हो, इसका नाम क्या है, ट्रिपल स्टार, जो कि हम बहुत स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, ठीक है, बेस्ट मेथड, एकदम परफेक्ट मेथड, कहीं नहीं मिलेगा, अब मिलने लग गया होगा, ठीक है, क्योंकि उद्घाटन सिर्फ हमने किया है अपने चैनल से इस मेथड का, जो कि बहुत सारे पूरा टोटली अर्थमेटिक कवर कराता है ये मेथड, ठीक है, हर चैप्टर में आपको इस मेथड पे डिपेंड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और जहां आपको लगे ना रेशियो डिवाइड हो रहा है वहां पे ठोक दो, बस हो गया काम, करेक्ट आंसर आएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, 25 में देखते हैं क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, यह एलिगेशन है, सीधा सीधा सा है। सात तकनीशियों औसत वेतन, ठीक है, और शेष का 9000 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या सभी का दे रखा है 12000, सभी का तो बीच में रख लेंगे, ठीक है। और सात लोगों का जो सात टेक्निकल है वो दे रखे हैं 15000, ये सात वाली वैल्यू है, ठीक है। और ये दे रखे हैं 9000, ये तीन अठा दो जी, इनका कोई मतलब नहीं है, लड्डू पेड़ा वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। 12 में से 9 गए तो बचे कितने, 3। 12 में से 15 गए तो बचे कितने, 3। एल है ये तो, 3 3 आ रहा है, कोई बात ना है, 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रेशियो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो एक बराबर रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो फिर इसका भी मतलब क्या होगा, इधर भी 7, मतलब 7 ये हैं, 7 ये हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 + 7 कितना होता है जी, 14। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, समझ के। तो 14 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है 25 का, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो में यहाँ पे एलिगेशन में आप इन जीरो को काट सकते हो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो और भी 3 से कट रहे हैं तो 3 से काट दो, फिर सीधे सीधे 1:1 आ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, काटो या मत काटो, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत देती है, मतलब ये 45 किलोमीटर चलती है कितने में, 1 लीटर में। 45 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो 45 किलोमीटर पर आवर को अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 45 किलोमीटर चलती है कितने में, 1 आवर में, ठीक है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोला, सॉरी पर लीटर, पर आवर ने स्पीड नहीं दे रखी, किलोमीटर पर लीटर दे रखा है, मतलब ये 1 लीटर में, 1 लीटर में कितनी चलती है, 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये की 1 लीटर मिलती है तो 540 किलोमीटर की यात्रा। सबसे पहले ये देखो कि 540 में कितने किलोमीटर 45-45 के हिसाब से बन रहे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है 540 मुझे तय करनी है, ठीक है। अगर मैं इस दूरी को अगर इससे डिवाइड कर दूँ 45 से, तो मेरे पास लीटर, मतलब कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, वो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो 9 5 6 5 12, तो मतलब कितनी पेट्रोल चाहिए मुझे, 12 लीटर पेट्रोल लगेगी 540 किलोमीटर चलने में, 45 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो 12 लीटर चाहिए, तो 1 लीटर का मूल्य कितना है जी, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया। तो जब 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, तो 12 लीटर का कितना होगा, 12 × 24, 240 लीटर, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिए। तो 240 लीटर एकदम करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, फिनिश करना है ये चैप्टर आज। ओके चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, चलो ध्यान से देखना, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। अब जब सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 27,
27 क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। बहुत बढ़िया जी, आगे देखते हैं। वह एक वर्ष में 6000 रुपये की बचत करता है, उसकी औसत मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम क्या है। क्वेश्चन बोला 8 मंथ में जितना व्यय करता है, मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय करना, तो 8 महीने का, 8 महीने का एक्सपेंडिचर, ई फॉर खर्च, व्यय, ठीक है, 8 महीने का व्यय इज इक्वल टू में दिया हुआ 6 महीने में कमाता है, 6 महीने में। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन देखो, जितना कि वह 6 महीने में कमा रहा है, कमाने का मतलब क्या, उसकी इनकम होगी, तो ये बराबर है किसके, 6 मंथ की इनकम, मतलब उसकी आय, आई फॉर मैंने बोल दिया इनकम, बस हो गया ये, मैंने दोनों बराबर में क्यों, क्योंकि उसने बोला है जितना 8 महीने में खर्च करता है उतना ही 6 महीने में कमा लेता, तो दोनों बराबर हो गई। दो से काट लेते, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, बराबर के केस में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3, और इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो हो गई 4। अब यहां से मुझे ये पता चल गया जो उसकी इनकम है, इनकम है वो कितनी है 4 रुपये, ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करूँ, एक्सपेंडिचर जो खर्च है जो कितना है 3 है, अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो सेविंग कितनी हो जाएगी, मैंने 4 रुपये कमाए 3 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे 1 रुपये, ये है मेरी आय, ठीक है, और ये है मेरा खर्च, ओके, और ये है मेरी बचत, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 रुपये मैंने कमाए, 3 खर्च किए, 1 बचा लिया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना बचा रहा है ध्यान से देखिए, वह एक वर्ष में 6000 रुपये की बचत कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा उसकी मासिक आय कितनी है, 6000 रुपये एक साल में क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, एक वर्ष में 6000 रुपये की बचत करता है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे मासिक पूछा है, तो इस बचत को ना, तो इस बचत को जो सेविंग हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 6000 रुपये, उसे मंथली बना दो, तो 1 महीने की बनाएंगे क्योंकि 1 ईयर की थी, 1 साल में 6000 रुपये की बचत कर रहे हैं, तो फिर 1 महीने में कितनी की बचत करेगा, 12×5 = 60, मतलब 500 रुपये पर मंथ, 1 महीने में वो बचाता है कितने 500 रुपये। देखो ध्यान से, सेविंग दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो है 6000 रुपये की बचत करता है, यहाँ पे लिखना चाहो तो सेविंग लिख लेना, ठीक है, तो 500 रुपये हो गए, सेविंग के बराबर रख देंगे, इनकम पूछेगा इनकम निकाल देंगे, और अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा तो एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, तो 1 बराबर हमें दे रखा है कितना 500, तो खर्च कितना हो जाएगा, इनटू कर देंगे 500 का, 3×5 = 15, मतलब 1500 रुपये खर्च कर रहा है जी, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 500 का गुणा कर देंगे, मंथली निकाल रहे हैं हम सिर्फ, 4×5 = 20, तो मतलब 2000 रुपये, मतलब ये 2000 रुपये कमाता है बंदा, 1500 खर्च करता है, 500 बचाता है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ ये देख लेते हैं, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय तो कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है भी नहीं, फटाफट से नोट कीजिए। हाँ, अगर आप डायरेक्टली रखते हो 1 = 6000, 1 = 6000, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो 6000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो जो इनकम आएगी वो आएगी वार्षिक, मतलब 12 महीने की आएगी, तो जैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वार्षिक, उसे आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगी क्या मंथली, और वो कितनी निकल के आएगी 2000 ही आएगी, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 28 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन ने बोला एक शो के दर्शक से पहले दिन जो इनकम होती है वो 15 रुपये है जी, ठीक है। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति कितनी होती है, 7.5 रुपये होती है। तीसरे दिन 2.5 रुपये होती है। और तीनों दिनों की कुल उपस्थिति जो लोगों में है क्रम से वो कितनी, 2, 5, 13 के अनुपात में है। तो पूरे दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपये है, मतलब एक व्यक्ति द्वारा कितने हैं। तो देखिए 2, 5, 13, एक मिनट कुछ नहीं करना, देखो 2, 5, 13 टोटल संख्या कितनी हो गई, कुल 20। अब आपको समझ में आ गया ट्रिपल स्टार किस काम का है। तो जो जो बच्चे लाइक करते हैं ना ट्रिपल स्टार को, तो प्लीज़ स्टार बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रति व्यक्ति 15 रुपये और 7.5 रुपये और 2.5 रुपये, 15 रुपये, 7.5 रुपये और 2.5 रुपये। सिंपली अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई और क्या करेंगे 20 से भाग कर देंगे, अपना तो आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। 15 × 2 = 30 बचपन में भी पढ़ा था। 25 × 5, 25 × 5 2 कैरी, 5 × 7 = 35 और 2 × 37। एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो पॉइंट का पॉइंट लगा दो। प्लस यहाँ पे देखते हैं 13 × 5 = 65 6 कैरी, 13 × 2 = 26 26 × 6 = 32। तो ये हो गया। अब क्या करना है, सीधे सीधे इन तीनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, वही फंडा है। तो यहाँ पे देखेंगे 30 है, एक काम करो ये 37.5 है, अच्छा नहीं लग रहा ना, इसका 2.5 छुड़ा लो इससे। अगर मैं इसका 2.5 छुड़ा लूँगा यहाँ पे बचेगा 30, 2.5 इसे दे दो, ये हो गया 40। 30 ये बचा, 30 दिया, 30 और 30 = 60 और 40 ये हो गया, तो कितना हो गया 100 हो गया। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो योग निकल के आया वो कितना है 100, और 100 को अगर मैं यहाँ 20 से भाग कर दूँ ₹5 हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपये थी, तो 5 रुपये वसूली थी, ये हो गया हमारा। फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेथड भी है। तो मेथड इसे बोलते हैं ट्रिपल स्टार, ठीक है। ना कहीं किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं किसी राइटर ने लिखा होगा इस टाइप के या फिर इस मेथड के बारे में, ठीक है। विश्वास नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा, और अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ओके, चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 की कहानी देखते हैं, कहानी में क्या ट्विस्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन ने बोला है एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का राजस्व हमें दे रखा है 75 लाख, यदि पहले 4 वर्षों का 70 लाख, यदि अंतिम 4 वर्षों का 82 लाख, तो चौथे वर्ष का क्या है। देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट सारे बेसिक में बताए हुए हैं। देखो 7 है, क्वेश्चन ने बोला 7, फिर बोला 4, फिर बोला 4, इधर देखो एक एक्स्ट्रा है ना, इधर देखो 8 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है वही हमसे पूछा गया। हो सकता है वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कोई भी डिजिट हो सकता है इन 7 में से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होता है। देख लेते हैं, 7 में गुणा कर देंगे 75 लाख का, लाख तो हम बाद में लगा देंगे, 75 कर दो बस। तो यहाँ पर 4 के लिए बोला 70 और यहाँ पर बोला गया कितना 82, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 7×5 = 35 की 5 3 कैरी, 7×7 = 49 और 3 = 52, 525। यहाँ देखते हैं जी, यहाँ पे 7×6 = 28 280, यहाँ पे 4×2 = 8 4×8 = 32 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों का योग और ये बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर नहीं है इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति जो चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, कोई भी हो सकता है, वो रिपीट होकर 2 बार काउंट हुआ है, तभी तो संख्या यहाँ पे 8 बन रही है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते 8
आठ और दो दस की जीरो, एक कैरी और छः, तो मतलब यहाँ पे योग बैठ रहा है ये 608 ही। लेकिन इसमें आदमी कितने हैं जी? नौ, सॉरी इसमें आदमी कितने हैं? आठ हैं। और यहाँ पर बैठ रहा है योग कितना? 525। लेकिन यहाँ पे आदमी कितने हैं जी? सात। तो कहीं ना कहीं सात आदमी आठ आदमी, इसमें एक व्यक्ति बढ़ गया, और जो बढ़ा हुआ व्यक्ति है उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो 525 से 600 तक लेके जाएंगे तो 75 जोड़ दूँ, अब 75 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 83 हो गया ना। ये तो हमने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया था लाभ, तो आप लगा दो लैक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 का 2 करेक्ट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बाकी के इस चैप्टर की बस हमारे 3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और कर लेते हैं फटाफट से। हो सकता है आप लोगों का उनमें कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप लोग बहुत होशियार हो चुके हो, अपने आप के अंदर ताकत देखना पहले से जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ने, और आज कितना फ़र्क है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 30 की ओर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं, आठ व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है, सर्वोत्तम खिलाड़ी के 85 अंक मिलते हैं, यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। मैं मान लेता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, आठ व्यक्तियों द्वारा औसत कितना होने की बात कर रहा है? 84 होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या? तो उस द्वारा प्राप्त किए गए, मतलब ये मैंने एक आठ व्यक्ति द्वारा एक शूटिंग प्रतियोगिता कंपटीशन हुआ उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा वाला जो खिलाड़ी है वो 85 अंक प्राप्त करता है, लेकिन अगर वो 92 अंक प्राप्त करता, 85 से वो अपने मन में सोच रहा है मेरे तो भाई 85 आए हैं, अगर ये 92 होते कितने बढ़ने की बात कर रहा है भाई। अगर मेरे सात नंबर और आए होते, जैसे कि हम बोलते ना कभी कभी, अगर मेरे सात नंबर आए और आए होते तो मैं पास हो जाता, या फिर मैं ये बोलता कि मेरे 85 तो हैं, 92 अगर आ जाते तो मज़े आ जाते, एकदम परसेंटेज अच्छी बन जाती है कि नहीं, इस तरीके से फीलिंग आती है। लेकिन और फिर इसकी वजह से, इन सात नंबर को बढ़ने की वजह से जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है? 84। मैंने मान लिया सात नंबर बढ़े, ठीक है। तो आठ व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना हो जाता है जी? 84 हो जाता है। जैसे ही मैं सोचता हूँ अपने माइंड में, अगर 92 नंबर आए होते तो ये योग हो जाता कितना, यहाँ पे जो एवरेज है वो कितना हो जाता? 84। 8 चौक 32 की 2, 3 कैरी, 88 जा 64, 64, 65, 60 से 67, 672 हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ गया? योग। ये कब है? जब वो 92 अंक एक सर्वोत्तम, मतलब एक अच्छा खिलाड़ी या फिर अच्छा प्लेयर या फिर कोई भी हो, कंपटीशन किसी का भी हो, वो जो है जब 92 लाता है, अपने मन में उसने सोचा 92, ये जो वैल्यू योग निकल के आया वो 92 के हिसाब से निकल के आया, क्योंकि 92 के हिसाब से ही तो 84 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर योग देखूं कि उसने उसकी जो दल है, उसकी जो एक तरह से पार्टी है, तो उसने कितने अंक लेकर आया वो सभी मिलकर, तो वो हमें देखना है। तो सीधे सीधे हमें जो है सात माइनस कर दें, क्यों? क्योंकि ये सात सिर्फ हमने सोचे हैं, लाए नहीं हैं, सोचने के बाद में हमने आंसर निकाल लिया। अब लेकिन यहाँ पे जो सात हमने एक्स्ट्रा अपने मन से सोचकर बढ़ाए हैं उसे हटा दो, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि रियलिटी में 85 जुड़ना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ सात माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 665 इज आंसर। समझ गए, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन? मुझे पता था हो सकता है आप लोगों को डाउट हो या फिर क्लियर पॉइंट नहीं हो पा रहा हो। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, एक विद्यार्थी जो है, आठ लोगों का दल है एक, ठीक है, आठ लोगों का ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है, ग्रुप में एक सबसे ज़्यादा जो
टॉपर है ग्रुप में, अच्छा लड़का है या फिर अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो वो जो है लेकर आता है 85 अंक। लेकिन वो अब 85 अंक लाने के बाद में सोचता है, अब वो सोचने लग गया, अब कहानी 85 की नहीं चलेगी, अब 92 की चलेगी। अब मैं इसी चीज़ को ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे 92 अंक आए होते तो हमारे जो टीम का जो औसत है, 8 लोगों का औसत है, वो 84 हो गया होता। या फिर मैं यही बोल दूँ, अगर मैं 7 नंबर ज़्यादा लाया होता या 7 अंक ज़्यादा लाया होता तो 8 लोगों का जो ग्रुप है हमारा, उसका औसत बढ़ कर कितना हो जाता, 84 हो जाता। तो मैंने सोचा कि 84 के हिसाब से क्यों ना हम चेक कर लें कितना बढ़ जाता भाई। तो योग हमने निकाल लिया, योग निकाल लिया। मैंने कितना बढ़ने की बात की गई थी भाई, 7 ही तो बढ़ाए थे अपने माइंड से, 7 बढ़ाए थे माइंड से, क्योंकि सोच रहा था उन 7ों को आप हटा दो, आप हटा दोगे तो कितने, 85 ला रहा था तो 85 पे पहुंच जाओगे। तो इन सभी 8 लोगों के द्वारा करेक्ट योग कितना हो जाएगा, इतना। और अगर यहाँ से ये पूछ ले एवरेज, इससे इसने जो है हमसे सिर्फ यही पूछा है, लेकिन अगर इनकेस एवरेज पूछ लेता तो एवरेज क्या हो जाता, सीधे सीधे योग तो ये है 665 और बट्टे में हो जाता 8, क्योंकि 8 लोगों की संख्या ये योग हो गया, तो ये हमारा एवरेज निकल के आया था। लेकिन अभी के लिए हमारा जो आंसर है वो कितना है, 665 है। फटाफट से नोट कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर। ओके चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 की कहानी पढ़ते हैं, क्या कहानी दी गई है उसमें और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। और सबसे पहले मैं सिर्फ यही बोलूँगा, आपके समझ में ना आने का कारण सिर्फ एक ही है मेरी तरफ से, कि आप स्टार्टिंग से कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हो। जो लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं उनका कोई भी डाउट नहीं हो सकता है किसी कीमत पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सा तो लग रहा है भाई। एक पुस्तकालय अपनी पुस्तक के लिए 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और अधिक दे देता, 4 अधिक पुस्तक और खरीद लेता और प्रत्येक पुस्तक में से 1 रुपये कम हो जाता। ये तो क्वेश्चन है इस टाइप का, हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। कौन सा क्वेश्चन था, पुस्तक वाला, एक लाइब्रेरियन, इसी टाइप का 14 क्वेश्चन, सेम एज है, मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेम एज फोर्टीन, ठीक है, मेथड सेम है, फिर भी मैं कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। और डिटेल में जाने के लिए आपको 14 वॉच करना होगा। चलो तो क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो भाई 60 पुस्तक खरीद ली, अब ये सोच लो मैंने खरीद ली भाई, 4 पुस्तक और मिल गई मुझे, तो 60 और 4 कितनी होगी भाई, 64x, क्योंकि 4 पुस्तक अतिरिक्त मिल रही है, मैंने मान लिया अतिरिक्त मिल रही है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 60x क्या है, यहाँ पे मूल्य x क्या है, मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 60x, प्रत्येक में से 1-1 रुपये कम करेंगे, 60x मूल हो गया, तो माइनस कर देंगे कितना, 60। अब आप बोलोगे मास साहब ये कैसे कर रहे हैं आप, तो कैसे कर रहे हैं बाकी है, आप देखो कौन सा 14th वाला, ठीक है, उसमें डिटेल में बताया हूँ। 64x माइनस 60s माइनस 60, ये एक डिफरेंस जो बराबर होगा उसके जो कि रुपये बढ़ा रहा है, कितने के, 336, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बचा 4x, और यहाँ पे अगर मैं इसे माइनस को इधर भेज दूँ तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 3, 9 और 6, 396, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 9 जा 36, तो x की वैल्यू निकल के आई 99। ये जो 99 निकल कर आई है ना वैल्यू, वो क्या निकल के आई है, वो जब निकल के आई है जब मैंने सारी एक जो 4 पुस्तक और मिल रही है ना उसके बाद में मूल निकल के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा पहले जब तुमने 60 पुस्तक खरीदी थी उस टाइम पर इस किताब का मूल्य कितना था, उस टाइम पर एक किताब का मूल्य कितना था। तो अभी एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू 99 निकल के आई है, इसमें 1 रुपये कम होकर आया, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ देखो बोला है कि औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 1 रुपये कम होकर निकल के आई है, तो 1 रुपया और जोड़ दीजिए तो 99 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो प्रति बुक कितने की है भाई, 100 रुपये की है, समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फंडा है।
तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लास्ट कौन बच, लास्ट क्वेश्चन बचता है इस टाइप का, बस मतलब इस चैप्टर का, मतलब औसत के लास्ट टाइप 10 का लास्ट क्वेश्चन 32। चले उसे भी देख लेते हैं, और उसे करने के बाद में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। हो सकता है डाउट हो भाई, इसकी शकल भी बहुत बड़ी है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, दिल से पढ़ो यार। क्वेश्चन बोले एक परीक्षा में जॉन, ठीक है भाई, जॉन ने अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और ड्राइंग, इंग्लिश मैथ हिंदी प्लस ड्राइंग, ये चार सब्जेक्ट बोले हैं। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन ने बोला है वो औसत प्राप्त अंक है 50। तो हम यहाँ पे देखूँ, चार का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 में, तो यहाँ से हमारा योग निकल के आ जाएगा अंकों का, वो कितना आ जाएगा, 200 अंक इसे मिले इन चारों सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके मैथ, देखो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर दे रखा है क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है मैथ प्लस विज्ञान मतलब साइंस, फिर दोबारा सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे दे रखा है क्राफ्ट का, तो सी फॉर क्राफ्ट मान लेते हैं। फिर चार का मल्टीप्लाई इनटू कर देंगे 50, सॉरी एवरेज को चेंज होगा यहाँ पे, चार का मल्टीप्लाई एवरेज बोला गया है हमसे, क्राफ्ट में 70 है, कितना है 70 है एवरेज यहाँ पे, तो 7 × 28 कितना हो गया 280। कहने का मतलब ये है कि देखो इंग्लिश एक बार है, मैथ अभी रुक जाओ, हिंदी एक बार है, ड्राइंग एक बार है, ये साइंस है, ये सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एस अलग है, ये एस अलग है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ दो बार है, तो मतलब ये मैथ के नंबर दो बार जुड़ गए इसमें। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, इन दोनों को जोड़ लूँ तो उसमें टोटल सब्जेक्ट कितने आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आने चाहिए, लेकिन आएंगे कितने, 8। और जो आठवां है वो कौन सा हो जाएगा, मैथ, क्योंकि मैथ एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, और वही हमसे पूछा जाएगा फिर। चलो तो फाइनली अब हम देख लेते हैं कि आठ जो सब्जेक्ट हैं मेरे पास, आठ जो सब्जेक्ट हैं, टोटल तो आठ सब्जेक्ट हो गए ना, मैथ डबल बार है याद रखना बस, तो आठ में यहाँ पे योग कितना हो जाएगा जी, 200, 200, 400, 480, मतलब आठ सब्जेक्ट के जो अंक हैं वो कितने हैं, 480 हैं। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, यदि जॉन के सभी सात विषय, हमें भी पता है सात विषय हैं, आठ किस लिए बैठे भाई जी, क्योंकि गणित दो बार है इसलिए आठ बैठे। ठीक है, सात का औसत दे रखा है 58, तो सात का औसत 58 दे रखा है, योग निकाल ले रहे हैं, सात का औसत 58 मल्टीप्लाई 7, 8, 56 की 6, 5 कह रही, 7, 5, 35, 35 और 5, 40, तो कितना हो गया 406। तो सात जो सब्जेक्ट हैं मेनली उनका योग कितना निकल के आया, 406। मतलब मेनली मेरे पास तो सात ही सब्जेक्ट है ना, सात सब्जेक्ट हैं, ये आठवां कहाँ से ले लिया, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया, और वो हमें पता है कौन सा जुड़ा है, मैथ जुड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लूँ तो कहीं ना कहीं मैथ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, मैथ में कितने नंबर मिले, तो वो कितने नंबर मिले होंगे मैथ में, जो अकेला बचा हुआ है वो मैथ में इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने से पता चल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 74। तो 74 मतलब ऑप्शन नंबर फोर, 34 का फोर्थ बिल्कुल सही है, 32 का फोर्थ, तो कितने हो जाएंगे मैथ में, 74, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दे रखा था और हमें सात सब्जेक्ट का टोटल मिला के योग दे रखा है क्वेश्चन में औसत के अकॉर्डिंग, और बाकी तो सिंपल है, सब बच्चों वाला है, तो हो गया ख़त्म एवरेज भी।
ठीक है। अब हमारे चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट हो गए? चैप्टर तो बहुत सारे हो गए, एवरेज भी फिनिश हो गया। एक बार पढ़ी में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। कैसा समझ में आया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है, इसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एवरेज का सफ़र कैसा रहा। ठीक है, कमेंट करना, और वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना है जी, ये चीज़ ना भूलें आप, ये चीज़ तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे एवरेज का सफ़र कैसा रहा, या फिर जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, और कुछ और लोगों से डिफरेंस मिला या नहीं मिला। ठीक है, चलो तो फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।